जनाब अपना चारों से तारुफ तो करा दें। मेरा नाम राहिल हसन है एंड आई एम फ्रॉम जापान, आई एम हाफ पाकिस्तानी एंड जापानीज। ज्यादा गौर से देखने पता चलता है कि नहीं जापानी भी है। तो राहिल आपको उर्दू भी आती है और जापानी भी आती है? जी मुझे उर्दू भी आती है, जापानीज भी आती है, इंग्लिश भी आती है। अच्छा languages। अच्छा माशाल्लाह। तो अब राहिल भाई से बात ही हो, ये कुछ पाकिस्तानियों को वो जापानी बोलना सिखा देंगे, तो कुछ मोटा मोटा हमें सलाम दुआ ही सिखा दें। सलाम वगैरह कोनिचिवा इन जापानीज़। वापस बोलिएगा जरा कोनिचिवा। अच्छा हम जवाब में क्या बोलेंगे? कोनिचिवा। अच्छा कोनिचिवा ही बोलेंगे, थोड़ा सा झुक के बोलेंगे। अच्छा और जो है वो अभी आप पाकिस्तान आए हुए हैं, वैसे आप ज्यादातर कौन से शहर में रहते हैं? जब ज्यादातर मैं इबाराकी में होता हूँ। इबाराकी टोक्यो से 1 आवर ड्राइव। ठीक है, तो अब आपसे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अब आप अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और उस पर ये चीज़ें डालेंगे और ये बता रहे हैं। और इस वक्त एक बहुत मशहूर चैनल है जो मैं देखता हूँ, उसका नाम एक सेकेंड के लिए आपसे बात करने का मुझे हट रहा है, ये यूट्यूब का चैनल है। और उसमें उन्होंने ये बोला था कि उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि जापानीज जो है वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को एकदम अब चेंज करने वाले हैं, और आपने भी यही बात बताई। और आपका क्या कहना है, क्या करेंगे वो? और आपके ख्याल में एक पाकिस्तानी आम लेबर का जो मजदूर आदमी है वो कितने पैसे वहां जाके कमा सकता है? मिनिमम डेढ़ लाख रुपए वो कमा सकता है जापान जाके अगर, और उसके बाद तो वो जितना कमाना चाहे जितनी मेहनत करे। तो अब आपसे एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप कुछ बेसिक स्किल सेट्स जो जापान में रहने के लिए ज़रूरत होती होगी, बेसिक ज़बान के हवाले से कुछ चीज़ें, वो आप लोगों को बताएंगे। आपने सलाम करना तो सिखा दिया। अच्छा खुदा हाफिज कैसे करते हैं? सायोनारा। वापस बोलिएगा सायोनारा। चलें जी और वापस जवाब में भी सायोलाला बोलेंगे। चलें जी फिर तो सायोलाला हम अभी करते हैं इस वीडियो को। ठीक है भाई।